नमस्कार, संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। संसद संवाद में हम आपको राज्यसभा में होने वाली महत्वपूर्ण चर्चाओं का सारांश दिखाते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में फुटवेयर और लेदर उद्योग को बढ़ावा देने और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने संबंधित विधेयक फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान बिल 2017 पेश किया गया। विधेयक से फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। प्रस्तावित विधेयक से संस्थान में शामिल 12 मौजूदा कैंपस अपने छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट देने का अधिकार भी मिल जाएगा। आइए देखते हैं चर्चा का सारांश। माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, नाउ फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बिल, श्रीमती निर्मला सीतारामन। थैंक यू सर। विद योर परमिशन, I wish to move that the bill to establish and declare the Footwear Design and Development Institute as an institution of national importance for the promotion and development of quality and excellence in education, research and training in all disciplines relating to footwear, leather and leather products design and development, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration. Okay, thank you. Sri P.L. Punia. The Footwear Design and Development Institute Bill 2017 राज्यसभा के विचारार्थ आज लिया गया है, और मैं, क्योंकि इस बिल में कोई विवादित ऐसा प्राविधान नहीं है, इसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूँ। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बिल जो आज आया है, इसके तहत ये इंस्टीट्यूट पहले से एग्जिस्टिंग है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, और इस समय 12 जगह इसके कैंपस हैं, और ये अपनी जगह सही है कि फुटवेयर और लेदर प्रोडक्शन और रिटेल सेक्टर वो बढ़ रहा है, और ये भी सही है कि लेबर इंटेंसिव है। चमड़ा उद्योग और फुटवेयर का मार्केट 8 लाख करोड़ का है, और फुटवेयर का बाज़ार 198 बिलियन यूएस डॉलर है, जो 2020 तक 220 बिलियन यूएस डॉलर होने की संभावना है। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये विशेष रूप से स्किल्ड मैन पावर, युवाओं को रोज़गार देने का और उसके संबंधित डिग्री, फुटवेयर डिजाइन और लेदर प्रोडक्शन में डिग्री देने का काम करता है। और आमतौर से देखा गया कि जो कैंपस सिलेक्शन में ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नौकरी मिल जाती है, जो 15 से 20 हज़ार रुपया पर मंथ के तत्काल वो वेतन पाना शुरू कर देते हैं, तो ये हर तरह से बेहतर है। इस इंस्टीट्यूट को इंडिपेंडेंट स्टेटस देने के लिए ये बिल प्रस्तुत किया गया है, और इसमें विशेष रूप से इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस ये डिक्लेयर करने के लिए, ताकि नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग में वो प्राप्त कर सके और उसको आगे बढ़ा सके। और इसके लिए जो विभिन्न संस्थाएं भी क्रिएट की, जैसे गवर्निंग काउंसिल, सीनेट, उसका कंपोजिशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका विस्तार से विवरण इस बिल के अंदर किया गया है, और किस तरह से फंडिंग भारत सरकार से होगी, किस तरह से गवर्निंग काउंसिल में वहाँ की प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार नहीं रहेगा, और बाकी जो एकेडमिक अपॉइंटमेंट्स का सभी ये अनुमोदन करेंगे, ये सब पूरा प्राविधान इसमें किया गया है। और इसके साथ साथ ट्रिब्यूनल ऑफ आर्बिट्रेशन में का भी प्रावधान किया गया है, इसमें जो कर्मचारी, अधिकारी या किसी का भी इसमें इंस्टीट्यूट में कोई विवाद हो तो अंतिम फैसला इस ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाएगा, और उसके फैसले के खिलाफ किसी भी न्यायालय या किसी कोर्ट में या किसी ट्रिब्यूनल में जाने का अधिकार नहीं होगा।
इसके साथ साथ मैं एक ये भी कहना चाहूँगा कि फुटवेयर और लेदर प्रोटेक्शन ये दो अलग अलग हैं। जहाँ तक लेदर प्रोटेक्शन का सवाल है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान सबसे बड़ा पूरी दुनिया में लेदर मैन्युफैक्चरर है। 1.8 करोड़ स्क्वायर फीट का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है लेदर का, और पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया का 13% लेदर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होती है। 25 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है, उसमें महिलाएं भी 30% के करीब हैं। अब ये लेदर मैन्युफैक्चरिंग का क्वांटम बढ़ता जा रहा है, उद्योग भी बंद होते जा रहे हैं। इसमें एक कारण तो पोल्यूशन कंट्रोल की वजह से जगह जगह पर उद्योग बंद किए गए, और दूसरा गोरक्षा के नाम से जगह जगह पर जो व्यवधान पैदा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नाम पे के इलीगल जो स्लॉटर हाउसेस हैं उसको बंद किया जाए। नए तरीके से प्रार्थना पत्र दिया गया कि हमको स्लॉटर हाउस का लाइसेंस दे दिया जाए, लेकिन वो उसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गुजरात में ऊना में जो पशु मरे हुए गाय उसका चमड़ा निकालने के लिए 5 नौजवानों को किस तरह से पीटा गया, पूरी दुनिया ने देखा है, उसका वायरल हुआ था। और फिर उसके 15 दिन के बाद जब लोगों ने ये तय कर किया कि अब हम किसी भी मरे हुए जानवर का चमड़ा नहीं उतारेंगे, 15 दिन के बाद लोगों को बुलाया गया कि या गाय या कोई दूसरा जानवर मर गया है उसको उठाने के लिए। जब उन्होंने मना किया कि हमारे समाज ने ये फैसला किया है कि हम ये कार्य नहीं करेंगे, तब फिर उनकी पिटाई की गई। तो हर तरीके से मरे हुए जानवर को चमड़ा निकालें तो पिटाई, और चमड़ा निकालने से मना करें तो भी पिटाई। तो इस तरह भी ये व्यवधान है अपनी जगह। मैं समझता हूँ कि सरकार को जो सिग्नल देना चाहिए, जो इसमें रक्षा प्रदान करनी चाहिए, वो अभी कोई संकेत ऐसा नहीं है। और ये भी इससे जाहिर होता है केवल डिग्री या पीजी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तक ही सीमित ना रहे। फुटवेयर इंडस्ट्री की लगभग 15,000 यूनिटें हैं, स्मॉल सेकंड स्केल में भी हैं। लेबर फोर्स का भी ट्रेनिंग होना चाहिए और उसमें सर्टिफिकेट वगैरह देने का प्राविधान होना चाहिए। गरीब परिवार के बच्चों का अधिक लाभ उठाते हुए अब तक एक सेमेस्टर में फीस 10 से 15 हज़ार रुपया होती थी, अभी 2015 से 80 से 90 हज़ार प्रति सेमेस्टर फीस कर दी गई, जो मैं समझता हूँ कि गरीब परिवारों के बच्चे कभी भी वहाँ पर एडमिशन लेने की सोच नहीं सकते। और फिर तनख्वाह भी पाते हैं 10 से 15 हज़ार, और एक सेमेस्टर का 80 से 90 हज़ार रुपया देना पड़े, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सामान्य परिवार का या गरीब परिवार का बच्चा फीस नहीं दे सकेगा। एससी एसटी स्टूडेंट्स की समस्याएं सभी जगह कैंपसेस में, हायर एजुकेशन में सब जगह हैं। रोहित मेमुला का केस हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूरे सबके सामने है, देश के सामने है। जिस तरीके से जात के आधार पर उनका उत्पीड़न किया गया, उसे बाध्य होना पड़ा आत्महत्या करने के लिए। तो मेरी सरकार से मांग है कि उसका प्राविधान अलग से किया जाए, और क्योंकि ये यहाँ बन रहा है तो मैं सुझाव दूंगा कि कोई संशोधन लाके ये अवश्य प्राविधान किया जाए। एससी एसटी से संबंधित बच्चों को उसमें अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल का प्राविधान किया जाए, और अगर कोई शिकायत आती है उसका निस्तारण करें, अगर आवश्यकता हो तो दंडित किया जाए, उसमें डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 12 कैंपसेस हैं और नए कैंपस खोलने का भी आगे होगा। मेरा सुझाव है कि आदिवासी क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़ है या झारखंड है, वहाँ पर भी इस तरह के सेंटर खोले जाने चाहिए। और चेन्नई और कानपुर मुख्य केंद्र रहे हैं लेदर प्रोडक्शन के, तो चेन्नई में तो सेंटर खोला है, इसका स्वागत है, लेकिन उसके साथ साथ कानपुर में भी अगर सेंटर खोला जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। वहाँ पर टेनरीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, माहौल है, वर्कर्स हैं, सब तरह की उपलब्धता है। और टेनरीज का जो पोल्यूशन के कारण
जगह जगह पर बंद हो रही हैं, तो उसका भी सरकार को कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। जैसे उन्नाव और कानपुर में है, एक ही जगह टेनरी जगह है, तो क्यों नहीं ऐसा किया जा सकता सरकार की तरफ से, कई यूनिट्स को एक साथ जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा के ये सुविधा दी जा सकती है। मैं सोचता हूँ इतना ही कहने के साथ साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। ऑल राइट पुनिया जी, थैंक यू। नमस्कार श्री सहस्रबुद्धे जी। सहस्रबुद्धे जी। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के असंगठित चर्म व्यवसाय क्षेत्र के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण एक मानव संसाधन विकास का प्रयास साबित होगा, उस दिशा में एक बहुत अच्छा प्रयास इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से हो रहा है, और इसलिए मैं उसका स्वागत करता हूं और इसके समर्थन में मैं खड़ा हूं। मगर इसके पहले कि मैं इस बिल के बारे में और कुछ कहूं, मुझे एक बुनियादी सवाल इस सदन के सम्मुख उपस्थित करना है। वो विभिन्न ज्ञान शाखाओं के बारे में, विभिन्न जो नॉलेज एरियाज होते हैं उसके बारे में, जो विभिन्न विश्वविद्यालय, ये भी एक लगभग विश्वविद्यालय जैसा ही बनेगा, तो ये सारे विश्वविद्यालय क्या उन मंत्रालयों के द्वारा नियंत्रित होने चाहिए, या क्या ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का व्यापक हिस्सा होना चाहिए? अगर हम देखते हैं कि मेडिकल एजुकेशन का सारा जिम्मा हेल्थ मिनिस्ट्री के पास है, तो धीरे धीरे इसी तरीके का एक सुपर स्पेशलाइजेशन चलता रहेगा, तो हो सकता है कि इतिहास पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय अगर कल्चर मिनिस्ट्री का अंग बन जाए, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री हिस्टोरिकल रिसर्च का सारा काम कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो मैं मानता हूं कि इस तरीके का सुपर स्पेशलाइजेशन जो है कि वो मंत्रालय केंद्रित करेगा, ही होता रहेगा, तो मैं मानता हूं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो एक व्यापक परिकल्पना है उसको कहीं ना कहीं हम छेद देंगे, उसमें कुछ बाधा निर्माण होगी, और इसलिए इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए कि इस तरीके का जो चर्म शिल्प के बारे में, फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में जो इंस्टीट्यूट बन रहा है, ऐसे विश्वविद्यालय अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा नियंत्रित हो या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, ये मैं मानता हूँ कि कभी न कभी हम सभी को सोचना पड़ेगा। महोदय, लगभग पूरे विश्व में 16,000 करोड़ जोड़ी चप्पल और जूते की भारत से बनती है, और विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक है 13%, लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। मगर इसके सम्मुख जो समस्याएँ हैं बुनियादी तौर पर, एक तो बहुत सारा ये चर्म शिल्प का जितना सारा व्यवसाय चलता है लेदर इंडस्ट्री का, वो असंगठित क्षेत्र में है, इसको ऑर्गेनाइज पद्धति से अब तक सोचा नहीं गया है जितना सोचा जाना चाहिए। दूसरा, इसमें कुशलता पूर्वक काम करने वाले जो व्यक्ति है, स्किल्ड लेबरर जो है, वो बहुत महंगे हैं, आसानी से मिलते नहीं, और उनकी संख्या भी कम है। मैं मानता हूँ कि इस प्रयास के कारण वो संख्या बढ़ने की दिशा में हम अग्रसर होंगे। तीसरा, हमारी जो टेक्नोलॉजी है और हमारे यहाँ जो फुटवेयर और अन्य लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका वैश्विक मार्केट पर कोई प्रभाव है, ऐसी स्थिति अब तक निर्माण नहीं हुई है। चौथा, विश्व में जिस तरीके का फैशन का ट्रेंड है, इसके बारे में भारत में चर्मशिल्प व्यवसाय में काम करने वाला व्यक्ति, छोटा सा कारीगर भी हो या बड़ी इंडस्ट्री लगाने वाला हो, वो ज़्यादातर अनभिज्ञ माना जाता है। माना जाता है कि इसमें जो डिज़ाइन के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में जो नवाचारों का अवलंब होना चाहिए, इनोवेशंस होने चाहिए, उसमें हम अभी भी थोड़े से पिछड़े हुए हैं। बावजूद इसके मैं मानता हूं कि ये प्रयास जो हो रहा है इसके कारण कुछ सवालों के जवाब निश्चित रूप में हमें मिलेंगे, मगर मेरे दो चार सुझाव हैं। विशेष रूप में 2017 के हमारे इकोनॉमिक सर्वे में आदरणीय वित्त मंत्री ने भी कहा था कि एक सेक्टर ऐसा है कि जो एक बहुत बढ़ने वाला, विकसित होने वाला सेक्टर है, और इस विषय में इसके पहले बहुत सारी कमिटियां बनी, एक सीतारामैया कमेटी बनी, एक पांडे कमेटी बनी, 1992 में एक कमेटी बनी जो मेरे ख्याल से अब तक की अंतिम कमेटी है, और उसने एक सुझाव दिया था कि इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए। बाद में ये प्रक्रिया बनी, मगर वो आधी अधूरी रही, जिसको आज इस मंत्रालय के माध्यम से परिपूर्ण रूप दिया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि आज ये विषय फुटवेयर डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन तक सीमित है, धीरे धीरे ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लेदर आर्ट यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। उसका कारण मैं बताता हूँ। जैसे फुटवेयर डिज़ाइन और डेवलपमेंट के पहले भी बहुत सारी प्रक्रिया है, हमारे ये सारे विश्व में, ये सारे विषय में काम करने वाले जो कारीगर है उनको इस तरीके के लेदर के टैनिंग के बारे में, जैसे हमारी सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है मद्रास में, मैं पता नहीं मुझे कि उसका कोई प्रतिनिधि इसमें किस तरीके से सम्मिलित होगा, मगर वहाँ पर वेजिटेबल टैनिंग के बारे में जो रिसर्च होता है
टैनिंग भी है, मगर वेजिटेबल टैनिंग हमारी पारंपरिक पद्धति है, मगर उस विषय को और विकसित करने की जरूरत है। आज उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आज इस विषय में काम करने वाले जो लोग हैं उनके पास नहीं है। मैं मानता हूं कि ये जो बॉडी ऑफ नॉलेज है इसके विकास के बारे में भी काम होना चाहिए। महोदय, यहाँ पर 10 इंस्टीट्यूशंस का उल्लेख किया है, मध्य प्रदेश में दो दो इंस्टीट्यूशंस है, और अभी पुनिया साहब बोल रहे थे कि कानपुर में क्यों नहीं है। वो मतलब पुराने जमाने में सारे रास्ते रायबरेली और अमेठी की तरफ ही बढ़ते थे, तो रायबरेली में बनी, कानपुर में तो बनी नहीं। बिल्कुल ये जो एक कमी है इसको दूर किया जाना चाहिए। मगर मैं मंत्री महोदय को ये भी आग्रह करूंगा कि हमारे महाराष्ट्र में भी विशेष रूप में कोल्हापुर, कोल्हापुरी चप्पल बहुत मशहूर है, तो कोल्हापुर में भी इसका एक केंद्र होने की बहुत आवश्यकता है। इस पर मंत्री महोदय विचार करें। यहाँ पर जो गवर्निंग काउंसिल बन रही है, जो सीनेट बन रही है, उसमें भी प्रतिनिधित्व की दृष्टि से और अधिक सोच होने की जरूरत है। हमारा जो छोटा चर्मकार है, रास्ते के किनारे पर बैठकर काम करता है, उनके भी छोटे बड़े संगठन है, इन संगठनों भी को भी मैं मानता हूं कि इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ये इंडस्ट्री केवल बाटा जैसे बड़े बड़े समूहों की नहीं है, हमारा छोटा कारीगर जो है, मैं मानता हूं कि इसको भी एक रिप्रेजेंटेशन मिलने की जरूरत है। केवल इतना ही नहीं, मैं मानता हूं कि हमारे कई ऐसे जो चर्मशिल्पी है, चर्मकार है, कॉबलर्स है, इन वो अपने घर में ही इस कला का और पारंपरिक पद्धति से कुछ न कुछ विकसन करते हैं, डेवलप करते हैं, उनको वो पूरा आर्टिजानशिप जो है वो विकसित होती है। उनकी जो इनफॉर्मल पद्धति से उन्होंने जो ज्ञान पाया है उसका भी मैं मानता हूँ कि कहीं रिकग्निशन करने की व्यवस्था इसमें हो। अंतिम दो बातें, इसमें वैश्विक इस विश्व में काम करने वाली जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगी, मैं मानता हूं कि विश्व में ऐसी कई इंस्टीट्यूशंस होगी जो इस पद्धति का काम करती है, उनके साथ भी कुछ न कुछ हैंड होल्डिंग होना, उनके साथ भी कुछ न कुछ एक रिश्ता होना, आदान प्रदान होना ज्ञान का, ये भी इसमें प्रावधान होना चाहिए ताकि हम एक वैश्विक बाजार पर भी हमारी चर्म शिल्प कला का कोई प्रभाव डालने की स्थिति में आए। महोदय, हमारी सरकार जिस पद्धति से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना साकार करने के लिए आगे बढ़ रही है, उसमें भी मैं मानता हूं कि इस तरीके के प्रस्ताव का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है, जो कि होगा, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, तो आज रास्ते के किनारे छोटी सी अपनी दुकान चलाते हुए चर्म शिल्प का काम करने वाला हमारा जो शिल्पी है, आर्टिजन है, वो कल एक बहुत बड़ा सफल उद्योजक, उद्यमी बनेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, और वो केवल नौकरी मांगने वाला नहीं रहेगा, नौकरी देने वाला रहेगा। उस दिशा में मैं मानता हूँ कि ये प्रयास बहुत स्वागत योग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का और इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ, उसको मेरा पूरा समर्थन दे। थैंक यू। Face a lot of environmental issues, which could be great because it goes through lots of cumbersome process, because these are all income generated industries. It provides so much of job opportunities, but the main thing is we have to find out the new technology. These institute has to make R&D, the research on how to reduce these environmental issues on the tanneries, the new leather industries which is coming up in our state. उस्ताद बिस्मिल्ला खान, महान शहनाई वादक, जिनके नाम है कई उपलब्धियां। कांस कलो महोत्सव में शहनाई वादन को दी नई बुलंदियां। आजादी के पहले जश्न में लाल किले से गूंजी उनकी शहनाई, और फिर गणतंत्र दिवस पर भी उस्ताद ने बेमिसाल धुनें सुनाई। भारत रत्न के रूप में उन्हें मिला देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। प्रसाद मिश्रा जी, उपसभापति महोदय, हमारे देश की जो कलाएं हैं, प्रतिभाएं हैं, गांव में छिपी हैं, रूरल एरिया में छिपी हैं, उनको विकसित करने के लिए जो
FDTI के तहत अब इनको डिग्री मिलने लगेगी, डिप्लोमा मिलने लगेगा। हमने देखा है कि तमाम ऐसे रूरल एरिया में लोग हैं, कानपुर लेदर इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, आगरा है, लेकिन काम हमारे छोटे मजदूर करते हैं, शिल्पकार करते हैं, उसमें स्टैंप जो है किसी कंपनी के लग जाती है तो जस्ट जो है उसके 50 गुना 40 गुना दाम बढ़ जाते हैं। मानो तो ये बिल आया है, मैं इसको समर्थन करता हूँ। इससे तमाम हमारे जो बेरोजगार भाई बहन हैं उनको जो है रोज़गार मिलेगा। पहले ये था कि केवल कैंपस ही डिग्री देगा, इनके एफिलिएशन नहीं मिलेंगे इनके डिग्री के, इसके तो इसके लिए जो है मानवर सब जगह अब काम होने लगेगा। तो मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूँ। 4 अप्रैल को लोकसभा में बिल आया था तो जो बच्चे इसका डिप्लोमा कर रहे थे उन्हें बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे लोग और उनका मानना था कि जिसमें हमें महारत हासिल है अगर हमें डिग्री मिल जाएगी तो हम अपने खुद के प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम लोगों ने देखा है हमारे बुंदेलखंड में एक हमीरपुर एरिया है, वहाँ भरुआ सुमेरपुर की जूती बहुत प्रसिद्ध है, मुश्किल से 50 ग्राम की जूती जो है वो धागे से जो है तो उसकी जुड़ाई करते हैं, 50 ग्राम से ज़्यादा वजन नहीं होता है, दूर दूर से लोग खरीदने आते थे। तो जो छात्र जो है स्टडी करेंगे, डिग्री पाएंगे, उसके तहत जो है इनको मार्केट में स्थान मिलेगा, डिप्लोमा मिल जाएगा। तो इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर निषाद जी, थैंक यू वेरी मच। श्रीमती विजया सत्यनाथ। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गार्डियन एंजल डॉक्टर प्रच्छी तलेवी अम्मा, आई एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन दिस ए न्यू इंस्टीट्यूट विच इज इन विच इंक्लूड्स आर फॉर नेशनल इम्पोर्टेंस। एन इंस्टीट्यूट हैज ऑल्सो बीन इन आर कांचीपुरम, इट इज ऑल्सो proposed to have in Chennai, which is Kanchipuram. Actually, Chennai is located on the Coromandel coast of the Bay of Bengal in South India. Chennai is the biggest industrial and commercial center and also a major cultural, economic and educational center. It contributes far more than 50% of India's total leather exports. It also has SCSIR research institution named the Central Leather Research Institute. So another, because as you know that Ambur, a place near Chennai, it is located in the banks of Palar River. It is in the Vellore district of Tamil Nadu, home to a major part of the India's leather tanning industry. This town has also been earned a nickname as a leather city of South India. And India's largest and finest tanneries are located here, which makes it one of the leading exporters of leather goods in India. The finished and unfinished products include shoes, garments, and gloves. So this Ambur, and also another city very nearby is Ranipet in Tamil Nadu, which also belonged to Vellore, located on the northern bank of Palar River. This city is a suburb town and also the industrial hub of the Vellore city. It houses nearly 400 small and medium leather units and a large number of medium scale leather industries which make both finished leather and leather articles for export. And my focus here is our Indian government has identified the leather sector as a main focused sector which has immense potential for export growth prospects and also employment generation. So the institute, with our 12 new institutes, it must be focused on the employment generation on this particular sector of leather and export growth prospects in this industry. As mentioned by our colleagues, there are so many
shortcomings. The one shortcoming is these industries face a lot of environmental issues, which could be great because it goes through a lots of cumbersome process, because these are all income generated industries. It provides so much of job opportunities, but the main thing is we have to find out the new technology. These institute has to make R&D, the research on how to reduce these environmental issues on the tanneries, the new leather industries which is coming up in our state. And India accounts for a share of 2.62% in the global leather trade during 2006. We are also facing the reservations, because when these institutes are named as national importance, what about the reservation policy? Will the, we are very much concerned about the reservation policy, because in our state 69%, the OBCs, we get 69% reservation, 50% for OBCs, then 18, 15, and then ST is one. So what happened to the 69% reservation? Will the same institute follow the same guidelines, the same reservation policy which our government has given a clear cut, a Supreme Court order, and the Mandal Commission recommendations? Okay. So now the OBC bill is going to be placed before this. So we need the reservation policies should be, because many institute like this are all of a sudden they are upgraded as national institutes of national importance, and the reservation policy is of a stake. So I would like to know from the government whether it will be given, the reservation policies will also be followed. Thank you so much. Welcome. Thank you. प्रस्तावित फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान बिल 2017 पर चर्चा करते हुए सांसद इस बात से सहमत थे कि बड़े तबके को रोजगार देने वाले उद्योग से संबंधित इस बिल से असंगठित और परंपरागत उद्योग को मान्यता मिल जाएगी और प्रोत्साहन भी मिलेगा। सांसदों ने राय दी कि रोजगार डिजाइन बात को ध्यान में रखकर ही कैंपस का पुनर्गठन किया जाए। संसद संवाद के अगले दो अंकों में जानेंगे बाकी सांसदों की राय और तत्कालीन उद्योग और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब। नमस्कार।